प्रिय दोस्तों सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आइए हम कुछ वचनों को सुने और सीखें। आप लोग मेरे चैनल में यदि नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन। यीशु में आसी हमारे के चंगा करे बोला अगर यदि इस बात के हमारे नहीं कि यीशु मसीह के करीब में आए कि हमारे अगर नहीं मानब तो हमारे चंगा भी नहीं पाओ, हमारे पाप भी क्षमा नहीं पाए पारब और यीशु मसीह के करीब होए हमारे नहीं पारब, क्योंकि यीशु मसीह का आई के पवित्र ही के शिकार लगी हमारे के का करे गए। यीशु मसीह के करीब में रह के लगी जो भी गलती की हमारे के का करे गए, यीशु मसीह के पास हमारे के समर्पण करब ताबे जाए कि यीशु मसीह हमारे हृदय में डेरा और वासा करी और हमारे के नया नया जीवन दे और हमारे के अच्छा रास्ता चले और हमरे के खुशी और आनंद के साथ में अगुए के लिए जाए। सिक्का लगिन का करे के है जैसे उमन पापी मन रहा है परंतु उनका साथ में बैठ के उमन भजन कर लाए और उमन के दूसरा मन कुछ भी कह लाए लेकिन दूसरा अगर कायक से कुछ नहीं बिगड़ेला, क्योंकि अपना जीवन के अपने के बनाए पड़ेला, दूसरा मन के कायक से केकरो कोई भी नहीं बिगड़ सके, क्योंकि अपना जीवन के अपने जाने ला कि मैं कौन रास्ता में जा सके के। सिक्का लगिन का करे के है कि यीशु मसीह के करीब में रह के अपना जीवन के व्यतीत करा तो यीशु मसीह हमारे हृदय में रही और जैसे लोग पापी मन के साथ में खाला पिला वैसे नई हमरे के साथ साथ में चली और हमरे के अगुवाई करी और वह हमरे के नए जीवन दी के अपन साथ में अपन इच्छा के पूरा करे लगिन हर जगह का करी वो बस सहायता करी और कहा थे कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। इकरे लगिन कहा थे यीशु मसीह कि उमन पापी मन जाओ उमन मसूल लगत रहा है ठाई ठाई की उमन धन संपत्ति जुगाड़ करत रहा है लेकिन उमन का कर लाए अपन मन के दीन कर लाए मन के नम्रता कर लाए और यीशु मसीह के पाँव के नीचे उमन आ लाए उमन अपने आप के नम्र बनाए के यीशु मसीह हमार उद्धार करता है कि यीशु मसीह हमार सच्चा परमेश्वर ही के कह के जब उमन यीशु मसीह के कार्य वाला श्रीखन वो उमन के साथ में का कर लग बैठला खाला पीला और कहा थे कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, मैं बलिदान नहीं मैं धन संपत्ति नहीं चाहता हूँ रुपया पैसा नहीं चाहता हूँ केवल मैं दया चाहूंगा। सृष्टि कार्य वाला के पास से कोई चीज के कमी न खेल सका लगे नो कहला कि मैं बलिदान से खुश ना खो मुझे तोहरे जितना भी कुछ दवा लेकिन उगर से बैठ के तो मैं बना हूँ केवल मैं तोहरे से दया चाहूँ तोहर हृदय के मैं नम्र देखे चाहूँ तोहरे के मैं सच्चे मार्ग में चले देखूँ और वह रास्ता सच्चे मार्ग में चलाए के लगी मैं धर्मी भी नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ कहा थे, क्योंकि पापी मान उमन नष्ट ही जावाए और धर्मी मान तो धर्मी ही का मन पैच जावाए। सेका लगिन कहा थे यीशु मसीह कि मैं तोहरे पापी मन के भुलाए लगी ना हो पापी मन के जीवन बचाए के लगी ना हो और मैं पापी मन के लगे वो बलिदान से नहीं परंतु मन के दया करके मैं छोड़ाबो और मन मोर पासे दिन नम्रता हुई क्या मैं तो मैं मन के ऊपर दया करबो और मन के मैं उद्धार करबो कहेला और उगो अपने बोलायला। सिका लगे का करे कहे हमरे के यीशु मसीह के करीब में जब हमरे इतना सारे बात के देखी सुई ली तो हमरे का करे कहे ड्राय कहे जैसे मासूल लगे गोला मन पाप क्षमा करे और वो मोरल बीमारी कर आदमी खाट में सुतल रहे खटिया में सुतल रहे उनके यीशु मसीह पाप क्षमा करला और उनके उठाई के उनके बीमार से चंगा करके उनको घर भेज दिला तो जितना चुंगी लगे को वाला मान मासूल लगे को वाला मान वो मन देख लाए और मन भाई कर लाए उसने आज हमरे के जीवन में भी का करे चाहिए यीशु मसीह के भाई माने कहे जे कि यीशु मसीह चंगा कर रहे यीशु मसीह क्षमा करे और गलत काम कर ले हमरे के उगर गलत के अनुसार हमरे के सजा दिल गई कि का करे गए हमरे के डराए गए और हमरे के यीशु मसीह के साथ में बैठ के रह गए। हालेलुया। तो ठीक है हमरे और एक वचन देखा जे कि हमरे मन डरा तो हमरे के प्रतिफल कैसे यीशु मसीह दे कैसे हमरे के फल दे के हमरे के आगे बढ़े तो मती रचे उकरे ही पखी देखा 10 अध्याय के हमरे मन 40 पद से लेकर हमरे मन 42 पद तक हमारे पढ़ा वह मती रचि सुसमाचार 10 अध्याय 40 से लेकर 42 तक के खुमिल मिला तो परमेश्वर को महिमा के लगी पढ़ दो। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है।
जो भजदोक्ता को भजदोक्ता जानकर ग्रहण करे वह भजदोक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। आमीन आमीन। तो यीशु मसीह पापियों के बुलाए के लागिन, पापियों को उद्धार करे के लागिन बुलाए, तो वही यीशु मसीह वही परमेश्वर हमरे के कहा थे जी कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जितना पापी मन के यीशु मसीह बुला है और मन के पाप क्षमा कही है, वो मन के जितना पापी मन ग्रहण करवाए, वो मन के ग्रहण करवाए यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह हमरे के का कही है, अपन पास ले किया है, और हमरे जब दिन और नम्रता के साथ अपने गुनाह अपराध के मान ली और हमरे के यीशु मसीह क्षमा कर ला, और जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो जे जे मन अंधकार के आदमी मन तोहरे के अगर सच्चा आदमी ही के कही के अच्छा धार्मिक व्यक्ति ही के कही के अच्छा मार्ग दिखा दे कही के अच्छा बात में सिखा दे कही के वो अगर ग्रहण कर ला और सुन ला, ग्रहण करे के मतलब वो कर लेकिन चल ला, तो वो के ग्रहण कर ला यीशु मसीह के ग्रहण कर ला, और यीशु मसीह के ग्रहण कर ला तो वो ठीक कहा थे जे कि वह मुझे ग्रहण करता है और वह मुझे ग्रहण जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। तो हमारे से हमारे के जीवन में जे हाँ सच्चाई के सिखाई, सच्चाई बात के बताई, अच्छा रास्ता के दिखाई, यीशु मसीह के पास पाप क्षमा पाई रही और वो अच्छा जीवन के रास्ता दिखाई, तो उनके जब कर बात के माइंड के ऊपर चल लग तो यीशु मसीह ग्रहण कर लग, और यीशु मसीह कर बात के ग्रहण कर लग तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के भेज रहे उनके का कर लग वो ग्रहण कर लग, उगर ग्रहण कर लग, और जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यता का बदला पाएगा। तो आई हमरे की का करेगा है भविष्यता जान के, सच्चा आदमी जैन के, अच्छा चरवाहा जैन के, अच्छा मास्टर अच्छा शिक्षक जैन के, अच्छा प्रेरित जैन के हमरे के का करा ग्रहण करब तो हमरे प्रेरित के का पाओ प्रतिफल पाओ बदला पाओ। जे कि उके अगर हमरे यहाँ कहा थे कि तोहरे मन अगर भविष्यता के भविष्यता जैन के तोहरे उके ग्रहण करवा तो तोहरे के भविष्यता बैठ कर लगे तोहरे के प्रतिफल मिले अधिकार मिले तोहरे भी का करवा भविष्यवाणी कार्य करवा और तोहरे मन भी यीशु मसीह के मार्ग के रास्ता के बारे में तोहरे बताए करवा कहा थे। और धर्मी जानकर और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। तो इगर हमरे का मिली बदला फिर प्रतिफल मिली, तो हमरे के का हमें का करा थी जितना मन के हमरे जो कोई इन और जो धर्मी जानकर धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। तो हमरे मन का धर्मी आदमी अच्छा रास्ता में अच्छा बात सिखा थे कहीं कि जो भी हमरे ग्रहण करा थे कर बात के माना थी तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में का हुई जी धार्मिकता उत्पन्न हुई जी। कैसे धार्मिकता हुई जे कि वो हमरे के धर्मी आदमी को सिखाला, धर्मी आदमी को हमरे के अच्छा रास्ता बताला, उकर गुट के मान ली, उकर शिक्षा के मान ली, उकर चल चलन के हमरे मन देख के वो अच्छा शिक्षा दिए आपने चला थे उके अगर देख के मान ली तो हमरे ऑटोमेटिक का ही जा धर्मी के बदला हमरे धर्मी के ग्रहण कर ले तो हमरे भी कहा पाए जा धर्मी बन जा, क्योंकि वो हमरे का अच्छा शिक्षा दे है तो हमरे अच्छा शिक्षा के ग्रहण कर ली, अच्छा शिक्षा के ग्रहण कर ली और बुरा के छोड़ दे ले तो हमारे जीवन ऑटोमेटिक आ जाए धर्मी बन जाए। तो शेखर लगे का कर प्यारो आज हमरे के जीवन में धार्मिकता के लोग मन के भविष्यता लोग मन के माने झूठा नहीं सच्चा भविष्यता सच्चा धर्मी मन के हमरे के अगर हमरे ग्रहण करा और अच्छे बात के मन के सिखाओ तो हमरे भविष्यता
अगर प्रतिफल भी पाए पारा। धर्मी जन के अगर धर्मी जो अच्छा धर्मी के अगर धर्मी के अगर धर्म के बात अच्छा अच्छा बात के यदि हमें ग्रहण करा तो हमरे भी ऑटोमेटिक धर्मी बन जा। और जो कहीं इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। तो प्यारो ऐसे हमरे के प्रतिफल नहीं खोए कर लगे, इतना जितना मन सिखाते हैं जितना मन अगुवाई करते हैं जे अच्छा परमेश्वर के दास दासी भाई सकता है प्रेरित है टीचर मास्टर शिक्षक अध्यक्ष जितना है कहें उमन के बात जो आत्मा से हो के धार्मिकता के हुई साथ हो के जे मन यीशु मसीह के सच्चे बात के सिखाते हैं उमन के अगर कहीं भी घर में या तो बाहर में कोई जगह में यहाँ लिखे केवल कि चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा।